Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी के राजनीतिक भविष्य को लेकर कई चर्चाएं हो रही है और कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि राहुल गांधी ने अलग विचारधारा की बात कहकर वरुण की कांग्रेस में एंट्री से इनकार कर दिया है, लेकिन कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अब प्रियंका गांधी वरुण से बात कर रही हैं। बता दें कि वरुण संजय और मेनका गांधी के बेटे हैं और प्रियंका व राहुल गांधी के चचेरा भाई हैं। बचपन में राहुल और प्रियंका के करीब थे वरुण। वरुण गांधी के रास्ते भले ही आज अलग हैं, लेकिन बचपन में वो अपने चचेरे भाई राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बेहद करीब थे। रिपोर्ट्स के अनुसार बचपन में प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल से ज्यादा चचेरे भाई वरुण को प्यार करती थी। इंदिरा गांधी वरुण को हमेशा रखती थी अपने पास। गांधी परिवार में वरुण सबसे छोटे थे और इस वजह से वे सबसे लाडले थे। उनकी दादी इंदिरा गांधी भी उनका बहुत ख्याल रखती थी। संजय गांधी के निधन के बाद वरुण के लिए इंदिरा गांधी का प्यार और ज्यादा बढ़ गया। वह उन्हें हमेशा अपने पास ही रखती थी। 3 माह में पिता और 4 साल की उम्र में दादी को खो दिया। 23 जून 1980 को वरुण गांधी के पिता संजय गांधी की प्लेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उस समय वरुण की उम्र महज 3 महीने थी। वरुण के ऊपर दुखों का पहाड़ उस समय टूट पड़ा जब उन्होंने 4 साल की उम्र में अपनी दादी यानी कि इंदिरा गांधी को भी खो दिया। बता दें कि 31 अक्टूबर 1984 को दिल्ली में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। वरुण गांधी का क्या राजनीतिक सफर है? गांधी परिवार से आने के बावजूद वरुण गांधी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से की थी और साल 2004 में पार्टी में शामिल हुए थे। इससे पहले उनकी मां मेनका गांधी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी और वरुण ने पहली बार साल 1999 में मां के लिए लोकसभा चुनाव में पीलीभीत में प्रचार किया था। 2004 में बीजेपी ज्वाइन करने के बाद वरुण को साल 2009 के लोकसभा चुनाव में पहली बार पार्टी ने पीलीभीत से टिकट दिया और चुनाव जीतकर वो पहली बार लोकसभा पहुंचे। वे लगातार 3 बार लोकसभा का चुनाव भी जीत चुके हैं। न्यूज रूम से न्यूज लाइव के